नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परीक्षा प्लस पे। मैं आलोक शुक्ला आपके सामने एससी आरओ का आज जो हुआ पेपर उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आंसर के मैं इंग्लिश सेक्शन का आंसर के दूंगा। इससे पहले आपका रमन सर ने कंप्यूटर का, रीजनिंग का और हिंदी का सॉल्यूशन दे दिए हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। जीएस का अभी जस्ट मेरे बाद आपका अपलोड हो जाएगा वीडियो, तो आप देख सकते हैं। मैं इंग्लिश सेक्शन का बिना देर के मैं शुरुआत करता हूँ। जो मेरे पास सेट है ये 151 क्वेश्चन नंबर से चल रहा है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का था, क्वेश्चन था द कोल्ड वेदर हैज रियली ब्लैंक हर हेल्थ। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन था, इफेक्टेड, अफेक्टेड, अफेक्ट एंड इफेक्ट्स। यहाँ पे जो जिस बच्चे का मेरे पास पेपर मिला इसने इफेक्टेड लगाया, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे अफेक्टेड होगा क्योंकि हमें प्रभाव से मतलब है, कोल्ड वेदर हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा, हेल्थ पर प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब ईडम। ईडम आपसे पूछ रहा है जंप ऑन द बैंड वैगन, है ना, तो इसका क्या होगा। चार ऑप्शन दिया है, टू गेट आउट ऑफ डिफिकल्टी, टू जज बाई अपेयरेंस, टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड, टू गेट इन टू ट्रबल। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा आपका सही, टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड। ट्रेंड ये सी होगा, डी पे लग गया है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। पॉपुलर ट्रेंड होगा, ट्रेंड मतलब अगर जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब होता है किसी जो ट्रेंड चल रहा होता है या जो फैशन चल रहा होता है उसे ज्वाइन करना, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 153, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। ऑप्शन आपका दिया है सैक्रिलेजियस, देखिए स्पेलिंग आपको करना है, तो सैक्रिलेजियस की जो सही स्पेलिंग होगी इसमें आपका डी होगा, सैक्रिलेजियस होता है इसका सही प्रोनाउंसिएशन, तो डी यहाँ पे आपका सही होगा। चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एरर फाइंड करना था, यू कैन ड्रिंक पहला है आपका स्टेटमेंट, दूसरा है चॉकलेट मिल्क ईदर हॉट इन द विंटर और कोल्ड इन द समर। तो देखिए ये जो है चॉकलेट मिल्क के लेने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है थर्ड और फोर्थ के, देखें हॉट इन द विंटर और कोल्ड इन द समर। यहाँ पे एक बार हम जनरली पढ़ें तो हॉट इन द विंटर हमें सही लगता है, लेकिन यहाँ पे इसने हॉट दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हॉट जनरली जो है ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है हाई, या ये किजन के टाइप में यूज होता है, तो यहाँ पे हॉट गलत होगा, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड होगा। थर्ड ऑप्शन में आपका गलती है, यहाँ पे एच ओ टी हॉट होना चाहिए, ना कि हॉट होना चाहिए। 155 में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये कह रहा है कि दे से दैट अ न्यू बेबी इज ब्लैंक एवरी 5 मिनट। तो जाहिर सी बात है बेबी के बात कर रहा था, न्यू बेबी की बात कर रहा है, तो बॉर्न करने की बात करेगा, तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, बी ओ आर एन ई नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे बॉर्न में भी कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन यहाँ पे बॉर्न आपका सही ऑप्शन होगा। बॉर्न जनरली सेकंड फॉर्म होता है बियर का, तो यहाँ पे वो गलत हो जाएगा, बी ओ आर एन ई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 156 क्वेश्चन कह रहा है सिनोनिम आपको चूज करना है एक्सपीडियंसी का। एक्सपीडियंसी का सिनोनिम्स क्या होगा, एक्सपेंस होगा, कन्वीनियंस होगा, डिसएडवांटेज होगा, एल्ट्रुइज्म होगा। तो एक्सपीडियंसी मतलब होता है कुछ आपका जो आसान हो, कन्वीनियंट हो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन कन्वीनियंस। क्वेश्चन नंबर 157 पे आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एंटोनिम पता करना है, वो भी किसका, डेम्योर का पता करना है। तो डेम्योर का जो एंटोनिम होगा इसमें आपका एरोगेंट होगा, ऑप्शन सी सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा आपका। 158 क्वेश्चन नंबर 158 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सेल्समैन वॉच ट्रेवलिंग। यहाँ पे पूरा सेंटेंस हमें क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन सेंटेंस पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जो इसका ऑप्शन होगा ये यूज टू होगा। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना देर के हुए। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कह रहा है, यहाँ पे यूज टू होगा इस वाले का, 158 का। 159 क्या कह रहा है, 159 कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे स्पेलिंग फिर से क्वेश्चन पूछा है, तो जो स्पेलिंग होगा इसका आपका अगर देखा जाए तो प्यूरिटेनिकल, प्यूरिटेनिकल पहला ही वर्ड आपका सही लग रहा है, बाकी प्यूरिटेनिकल ही पूछा चाहा है। प्यूरिटेनिकल मतलब होता है हार्ड, थोड़ा सा जो नेचर होता है प्यूरिटेनिकल, मतलब जैसे बोलते हैं पापा लोग होते हैं ना, प्यूरिटेनिकल होते हैं ऐसे टाइप में, हार्ड टाइप में, हार्ड नेचर, तो यहाँ पे प्यूरिटेनिकल होगा 159। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 क्या कह रहा है, यहाँ पे आपका प्रोवर्ब ईडम पूछा है, हिट द नेल ऑन द बेड, इसका प्रोवर्ब पूछा है। तो इसका प्रोवर्ब अगर ऑप्शन आप देखें तो गो टू बेड, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, समवन हु लैक्स इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे अगर हम भी ऑप्शन को देखें, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, यही होता है हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब कोई एकदम सटीक चीजें बोलना, सटीक चीजें करना, तो डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इससे मैं थोड़ा आपका पेन पॉइंट मोटा ले लूँ ताकि आपको दिखे, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 क्या कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द थीप्स वर इक्विप्ड विथ।
यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, डुप्लीसिटी, डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट, डुप्लीकेसी। तो अगर हम सही से देखें तो यहाँ पे डुप्लीकेट जो आपका ऑप्शन होगा ये सही होगा, ऑप्शन सी सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 162 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 फिर से आपका एरर डिटेक्शन है, एरर किस सेंटेंस में यहाँ पे एरर है, तो ईच ऑफ दीज थ्री रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन। अगर देखा जाए यहाँ पे तो ईच ऑफ दिस थ्री रोड लीड्स होना चाहिए, लीड्स होगा सही ना कि लीड होगा, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपकी गलती है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पे। 163 कह रहा है द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, है ना। इसका अल्टरनेटिव आपको एलिमिनेट करना है, आई कॉलिंग हर ऑफिस एट 4 o'clock, तो सेंटेंस करेक्शन करना है आपका। सेंटेंस करेक्शन में देखते हैं क्या होना चाहिए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया, बर्ग कॉलिंग, कॉल, टॉल, टॉल्डी था मेरे ख्याल से, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे आई कॉलिंग हर ऑफिस, कॉलिंग नहीं होता है, आई सॉरी टॉल्डी कॉल्ड होगा, आई कॉल्ड हर ऑफिस, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, आई कॉल्ड हर, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स आपका फिर से आएगा, डीजल कार इज यूजली मोर इकोनॉमिकल होना चाहिए, आपका सब सब आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन आपका दिख रहा है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा इकोनॉमिकल, यहाँ पे सही हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है, नॉन प्रोनाउन जो होता है, क्या कह रहा है सेंटेंस देखते हैं। यू कैन चेक इन ऑनलाइन बट यू हैव टू डू इट एटलीस्ट 4 hours बिफोर योर फ्लाइट। तो बिफोर जो है ये पूछ रहा है कि क्या है बिफोर, मतलब पहले, प्रीपोजिशन तो हो नहीं सकता, वर्ब है नहीं, नाउन है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये एडजेक्टिव ही होगा हमारा सही जवाब। 166 क्वेश्चन कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स है, दे स्टे को ब्रैकेट में रखा है, मतलब कि स्टे का ही कुछ यूज करना है, इन द होटल नेक्स्ट वाज। तो यहाँ पे अगर हम सेंटेंस को एक फ्लो में पढ़ें तो दे वर स्टेइंग होगा, हैव नहीं होगा, हैव के साथ आपका पार्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल आएगा, हैव स्टेड होता, हैव स्टेइंग नहीं होगा, वाज स्टेइंग नहीं होगा, वर स्टेइंग आपका सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 166 क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि चूज द एप्रोप्रिएट एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव आपका पूछा है, कह रहा है कि द बुक बेकिंग डिलाइट्स वाज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस, मतलब कि आपको पैसिव फॉर्म दिया है, आपको इसका एक्टिव फॉर्म बताना था। एक्टिव फॉर्म क्या क्या है, चार ऑप्शन हम देख लेते हैं। चार ऑप्शन कह रहा है, पहला कह रहा है द बुक बेकिंग डिलाइट्स हैड पब्लिश्ड पेंगुइन रैंडम हाउस, ये तो नहीं होगा, पेंगुइन रैंडम हाउस हैज पब्लिश्ड द बुक बेकिंग डिलाइट्स, द बुक बेकिंग डिलाइट पब्लिश्ड द पेंगुइन रैंडम हाउस, पेंगुइन रैंडम हाउस पब्लिश द बुक बेकिंग डिलाइट, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही लग रहा है, यही आपका सही जवाब भी होगा। क्वेश्चन नंबर 168 क्या कह रहा है देख लेते हैं, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडम फ्रेजेस, फिर से पूछ लिया, टू किल द फ्लैटेड कॉफ, टू किल द फ्लैटेड कॉफ का आपका इडम पूछ रहा है, तो टू किल द फ्लैटेड कॉफ का आप सभी लोग जानते हो, टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन था, टू सेलिब्रेट होगा इसका आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट फॉर्म द मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस, आपका पैरा जंबल है, पैरा जंबल में देखा जाए तो पैरा जंबल में क्या हुआ है, पहले एंड वी डिसाइडेड, सबसे पहले इसे हम ऑप्शन से करते हैं, तो ऑप्शन किससे किससे स्टार्ट है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट से स्टार्ट होगा क्या, पहले एंड आया है तो ये तो एकदम नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। थर्ड से स्टार्ट हो सकता है क्या, अनन्या के एवं इससे स्टार्ट हो सकता है, फोर्थ से स्टार्ट हो सकता है बिकॉज, बिकॉज से स्टार्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिफ्थ कह रहा है टू यू जिसे भी नहीं होगा, इसका मतलब एक ही हमारा ऑप्शन सही है बी, तो बी हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 क्या कह रहा है, 170 कह रहा है एंटोनिम आपको बताना है, किसका बताना है, कंडेम्न का बताना है, तो कंडेम मतलब होता है सजा देना, तो जाहिर सी बात है पार्डन होगा, माफी करना, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 170 का जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। 171 क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फिर आपका एरर डिटेक्शन है, अ फायर हैज ब्रोक आउट, ब्रोक आउट नहीं होता, ब्रोकन आउट होता है यहाँ पे, ब्रोकन आउट ये फ्रेज होता है, ब्रोकन आउट, तो यहाँ पे ब्रोकन आउट होगा, यानी कि सेकंड आपका सेकंड पार्ट में गलती है, यहाँ पे ब्रोक आउट लिखा हुआ है। फिर कह रहा है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्सटेसी, एक्सटेसी का सिनोनिम क्या होगा, एक्सटेसी मतलब आप देखिए पॉजिटिव वर्ड है, इसका प्रसन्नता होता है, परमानंद इसकी शुद्ध हिंदी होती है, तो अगर देखा जाए तो एगोनी, एगोनी मतलब पीड़ा होता है, डिस्पेयर मतलब भी निगेटिव वर्ड है, टॉर्मेंट मतलब भी आपको किसी को हो जाता परेशान करना होता है, तो डिलाइट यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 175 पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज्ड बोथ ऑन नाउन एंड वर्ब, इनमें से कौन सा वर्ड दोनों की तरह, नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह दोनों तरह यूज हो सकता है, तो प्रिज्यूम तो नहीं होता, परमिट, देखो परमिट हो सकता है, परमिट मतलब हम किसी को अलाउ भी करें और परमिट मतलब हमारा नाउन भी होता है, जैसे वीजा, परमिट, ये सब हमारा नाउन की तरह भी यूज होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 176 में, 176 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है द नेशंस, ब्लैंक दिया हुआ है, हैड मेड
हैज मेड 2 एंड 3। यहाँ पे नेशंस है तो यहाँ पे ज्यादा सटीक आपका क्राइसिस लगेगा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 पे आते हैं, व्हाट इज मीन्ट बाय द ईडम फार क्राई फ्रॉम। देखिए फार क्राई फ्रॉम का जो ईडम होता है उसका मतलब होता है वेरी डिफरेंट। ये मैंने जो आपको दिया था एससीआरओ में बुकलेट उसमें भी आपका दिया हुआ था, अगर आप देखे होंगे तो इसे सही करके आए होंगे आज के पेपर में। ये आपका फ्री ही नंबर रहा होगा अगर आप पढ़ के गए होंगे तो। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको फिलर फिर से दे दिया है, दे स्टैंड एक्यूज और क्राइम्स, एक्यूज और तो एकदम नहीं होगा, एक्यूज ऑफ क्राइम्स हो सकता है, एक्यूज ओनली क्राइम्स नहीं होगा, एक्यूज विद इन क्राइम्स नहीं होगा, एक्यूज ऑफ ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जब क्राइम होता है तो एक्यूज ऑफ दोषी सिद्ध करना, ये होता है एक्यूज ऑफ का मतलब। आते हैं क्वेश्चन नंबर 179, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड कॉमिटी। कॉमिटी का आपका अपोजिट पूछा है, तो ये आपका कॉमिटी का अपोजिट कॉर्ट्सी तो नहीं होगा, ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। हॉस्टिलिटी हो सकता है, एमिनिटी नहीं होगा, बेनेवलेंस नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, हॉस्टिलिटी ही यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 180 पे देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ट बाय द ईडम हिट द सैक। हिट द सैक मतलब होता है गो टू बेड, ईडम आपका सब सही होना चाहिए क्योंकि ये सब आए हुए दिए हुए क्वेश्चन हैं। हिट द सैक का होगा गो टू बेड। क्वेश्चन नंबर 181 क्या कह रहा है, क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर भी स्पेलिंग करेक्शन है, सही नहीं आ रहा है। स्पेलिंग करेक्शन SHLSHILUOETTE। सिलेट, देखिए सिलेट मतलब होता क्या है, यहाँ पे सारे सेम वर्ड है, तो सिलेट मतलब होता है जैसे आपका बहुत सारे फिगर आप लोग देखते होंगे, गूगल पे इमेजेस देखते होंगे, ऐसी इमेजेस होती हैं जो ब्लैक ब्लैक पूरी होती है, ऐसा बोलते हैं सॉलिड फिगर बोल सकते हैं किसी चीज़ का, अगर हम सॉलिड फिगर बोलें तो वो होता है सिलोएट। इसकी जो स्पेलिंग होती है, एक मिनट पेन ले लें, इसकी जो स्पेलिंग होती है वो SHILUOTTE, तो ये आपका सही होगा मेरे ख्याल से, ये SHILUOETTE इस ऑप्शन में है, क्लियर दिख नहीं रहा है, ये आपका सी सही होगा, OETTE होता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 182 क्या कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर इन द, यहाँ पे वर्ड नहीं क्लियर हो रहा, रिकग्निशन ऑफ हिज ब्लैंक ड्यूरिंग द बैटल। तो जाहिर सी बात है प्रमोट किया गया तो एक पॉजिटिव वर्ड आएगा, टिमिडिटी निगेटिव वर्ड है, ये कॉवर्डिस निगेटिव वर्ड है, ये वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, क्लियर नहीं हो रहा है तो एग्जैक्टली बोल सकते, लेकिन यहाँ पे ये वेलर लिखा है तो वेलर एक पॉजिटिव वर्ड है, वेलर आपका एक सही ऑप्शन हो सकता है। एग्जैक्टली 183 क्या होगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ट बाय द वर्ड डेट्रिटस। डेट्रिटस का मतलब क्या होता है, तो डेट्रिटस मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही होगा, सिनोनिम्स पूछा था डेट्रिटस का। क्वेश्चन नंबर 184 क्या कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। एक्टिव पैसिव फिर से पूछ लिया, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर, यानी एक्टिव फॉर्म दिया हुआ है, इसका पैसिव बनाना है, तो यहाँ पे आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग है, तो टेकिंग अगर हमारा कॉन्टिन्यूस आता है, मैंने आपको रूल भी दिया था टेस्ट सीरीज में भी आपके क्वेश्चन में दिया था, जब भी हमारा कॉन्टिन्यूस टर्म होता है तो हमारा उसके साथ बींग लगता है, तो बींग किस ऑप्शन में हम देख लेते हैं, बींग ऑप्शन बी में है और सी में है। आई रिमेंबर बींग टेकन टू द थिएटर माई फादर, आई रिमेंबर बींग टेकन टू द थिएटर बाई माई फादर, तो यहाँ पे बाई नहीं है, इसमें बाई है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 185 के कह रहे हैं, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द नेकर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नेकर्ड मतलब क्या होता है, तो नेकर्ड मतलब होता है बहुत थका हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सेंटेंस भी पता चल सकता था यहाँ पे, जैसे आपको नहीं मालूम भी था तो आप सेंटेंस से चेक कर लिया करो, आई एम टू टायर्ड टू गो आउट दिस इवनिंग, मतलब मैं इतना थका हूँ कि शाम को मैं कहीं जा नहीं सकता। एनर्जेटिक तो पॉजिटिव वर्ड एकदम नहीं होगा, हैप्पी पॉजिटिव वर्ड है, एंग्री तो होगा नहीं, तो टायर्ड ही होगा यहाँ पे सही जवाब। 186 देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, 186 कह रहा है कंप्लीट द एनालॉजी। अच्छा यहाँ पे विलियम शेक्सपियर वीनस एंड एडोनिस से पूछा, विलियम शेक्सपियर ने अगर वीनस एंड एडोनिस लिखा है तो विलियम वर्सेस ने क्या लिखा है, तो विलियम वर्सेस की पोएम है अ कंप्लेंट, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा, मॉडर्न लव नहीं होगा, फायर इन द गार्डन भी नहीं होगा, लव एंड डेथ भी नहीं होगा, अ कंप्लेंट यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपका देखिए ये वर्ड मैंने आपको दिया भी था टेस्ट सीरीज में भी दिया था, सीजोप्रेनिया। सीजोप्रेनिया मतलब होता है कि जब हम ऐसा फील करते हैं कि कोई आदमी है या कोई मतलब इमेजिनरी कोई चीज़ें सोचते हैं जो हमारे साथ साथ है, एक इस पर डॉक्यूमेंट्री भी आई थी आप शायद देखे होंगे, तो यहाँ पे सीजोप्रेनिया, यहाँ पे सीजोप्रेनिया की जो सही स्पेलिंग होती है SHIZOPRENIA, जो ऑप्शन डी में है, इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 188 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 188 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का है, कह रहा है आर यू कमिंग और इज यू स्टेइंग एट होम। देखिए यहाँ पे और इज
यू इज यू दोनों साथ में लगा रहा है, यू के साथ हमेशा आर लगता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में ही गलती है, साफ साफ दिख गया है, तो आसान सा क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन 189 क्या कह रहा है, ये भी एरर डिटेक्शन है। आई ट्राइड टू गेट टू द सर्जन टू एलिसिट दैट सी जस्ट नीडेड टाइम टू गेट यूज टू द आइडिया, नो एरर। देखा जाए तो आई ट्राई टू गेट द सर्जन टू एलिसिट द दैट सी जस्ट नीडेड टाइम टू गेट यूज टू द आइडिया, इसमें आपका थर्ड सेंटेंस में आपका गलती है। 190 क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इमेसिएटेड, इमेसिएटेड मतलब क्या होता है, इमेसिएटेड का सिनोनिम्स होगा आपका हैगर्ड, लीन नहीं होगा, लीन मतलब होता है पोजिशन का, एंगर मतलब का गुस्सा होता है, कॉर्पुलेंट भी नहीं होगा, तो हैगर्ड आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 191 फिर से आपका एनालॉजी टाइप में आ गया है। वेसीफेरस मतलब होता है बहुत साउंड बहुत ज़्यादा जिसका हो, तो नॉइजी जिसने दिया है, मतलब ये सिनोनिम्स दिया हुआ है, वेसीफेरस मतलब नॉइजी, तो इंट्रेंसिजेंट मतलब क्या होगा, इंट्रेंसिजेंट मतलब जिद्दी होता है, तो यहाँ पे जिद्दी, प्लान, डोसाइल, फ्लेक्सिबल, स्टबबॉर्न होगा, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टबबॉर्न। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इंटू सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसे आपको सिंपल पास्ट में करना है। विनय हियर्स आई स्टैंड नॉइज इन द नाइट, तो हियर्स का हर्ड हो जाएगा, हर्ड किस ऑप्शन में है, केवल ऑप्शन सी में है, डी में भी है लेकिन हैज लगा हुआ है, तो वो आपका सिंपल पास्ट नहीं रह जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 193 क्या कह रहा है, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया है, ओडब्ल्यूएस पूछा है। फियर ऑफ क्लाउंस, क्लाउंस मतलब होता है जो हम मजाकिया लोग होते हैं, जोकर टाइप में, तो इनसे जो डर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉलरोफोबिया, इसे बोलते हैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 194 फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे फिलअप दिया है, बोला अनु दो इल इक्विप्ड फॉर द प्रोजेक्ट हैड ट्राइड हर बेस्ट, फॉर ट्राइड नहीं होगा यहाँ पे, ऐसे सेंटेंस में बताया भी हूँ कि नेवर थलेस यूज होता है हमेशा, नेवर थलेस ट्राइड हर बेस्ट, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 195 में क्या हो जाएगा, चूज द ऑप्शन दैट द सिनोनिम ऑफ द गिवन, बहुत ज़्यादा सिनोनिम पूछ लिया आपके पेपर में, सिनोनिम्स किसका, अनएजाइलेबल का पूछ रहा है, तो देखिए एजाइलेबल होता है आप किसी चीज़ को वल्नरेबल बोल सकते हैं, एजाइबल मतलब या किसी चीज़ को जिसे आप चोट पहुंचा सकते हैं, अनएजाइलेबल मतलब जिसको आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो इनवेंसिबल होगा, अभेद्य मतलब या ऐसा बोल सकते हैं जिसे जीता ना जा सके, तो यहाँ पे ज़्यादा जो सटीक ऑप्शन होगा वो आपका इनवेंसिबल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 196 पे आते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस, करेक्टली फिर से पूछ रहा है, परसम्सियस, परसम्सियस की स्पेलिंग परसम्सुअस होता है, टी यू होता है, वहाँ पे ब्लैटेंट सही लग रहा है, देख लें ब्लैटेंट सही मिल गया है, तो यही आपका ऑप्शन ही होगा। बेनेवलेंट, बिनेवलेंट होता है, बी ई एन ई होता है, ये भी गलत है, कमुलेटिव भी गलत है, तो ये सारे गलत हैं, आपका ब्लैटेंट ही सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, द एंशिएंट फाउंटेन वाज हिडन एमंग द ट्रीज होगा, ये सही ऑप्शन है आपका, एमंग होगा, क्योंकि जब भी ट्रीज आता है तो अंडर या एमंग लगता है, क्योंकि अंडर नहीं दिया है तो एमंग हो जाएगा आपका ऑप्शन। 198 पे आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, मिस्टर माथो सेड आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, वांट का वांटेड जहां भी आपको ऑप्शन में दिख रहा हो, ऑप्शन बी का और ऑप्शन डी में आप देख लीजिए, मिस्टर माथो सेड दैट ही वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स, और बी कह रहा है मिस्टर माथो सेड ही हैड तो नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट का कोई बात नहीं किया है, तो जैसी बात है यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 199 क्या कह रहा है, दैट व्हाइट हाउस ओवर देयर used to belong to my family, इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा, यूजेस गलत हो जाएगा जिसने भी लगाया है। क्वेश्चन नंबर 200 क्या कह रहा है, 200 लास्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश सेक्शन का, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, देयर आर ब्लैंक बर्ड्स इन द कंट्री साइड नाउ देन देयर वर 30 इयर्स अगो, 30 साल पहले की तुलना इस साल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पहले जो थे उससे अब सेंटेंस में दिख रहा है कि जो बर्ड्स होंगे उनका नंबर कम होगा, तो बर्ड्स के साथ हमेशा फीवर लगता है, मच नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, फीवर होगा, देयर आर फीवर बर्ड्स इन द कंट्री साइड नाउ देन देयर वर 30 इयर्स एगो, तो ये आपके पूरे 151 से 151 से लेके 200 का मैंने आपको आंसर की दे दिया है, अभी आपका रमन सर इससे पहले दे दिए हैं जीएस का, इसके बाद आंसर की आ जाएगा, आप सभी लोग मैच करा लें, आपका सेट कोई भी हो जहाँ पे आप, इसलिए मैंने पेपर लगा के कर दिया है कि ढूंढ ढूंढ के आप इससे मैच करा लें, अपना नंबर देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।